ओके चलो स्टार्ट करते हैं, प्लीज साइलेंस, स्टार्ट करते हैं। देखो हमने शीट नंबर 96 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया था, शीट नंबर 97, शीट नंबर 97 में एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशन यहां से हमने स्टार्ट करना है। शीट नंबर 97 एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर लिखो नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर कंपटीशन, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर कंपटीशन, कि मतलब स्कूल के लिए नहीं करके जाना, ऐसा कुछ नहीं आएगा तो आप कंपटीशन के लिए करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास ये गिवन है कि जैसे अर्थ है और लेट अस सपोज अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज बढ़ती जाएगी, और पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज, हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ इंक्रीजेस। अगर हम ई की बात करते हैं या एफ की बात करते हैं, ग्रेविटी की फोर्स कहां एड करती है, टूवर्ड्स सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहां एड करेगा, टूवर्ड्स सेंटर। तो आप चेक कर सकते हो ई नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी कहां होती है, टूवर्ड्स सेंटर, और अट्रैक्टिव फोर्स भी कहां होती है, टूवर्ड्स सेंटर, राइट। तो ये बताओ कि अगर ये अर्थ है और लेट अस सपोज अगर मैं अपर ऊपर वाले पॉइंट से लोअर पॉइंट पर आता हूं, ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, लोअर का पोटेंशियल V2 है, तो बोलो V2 बड़ा होगा कि V1, अगर हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, तो इसका मतलब V1 बड़ा है और V2, ये मत देखो ना कि नीचे 2 लिखा है तो बड़ा ही होगा, ये देखो कि दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीजेस, कोई डाउट इसमें। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं अर्थ की सरफेस सेंटर की तरफ आता हूं, सेंटर की तरफ आने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ई, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ ई आता हूं यानी कि टूवर्ड सेंटर आता हूं, तो मेरा पोटेंशियल यहां से यहां आने में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डिक्रीज। अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं, यहां से सेंटर से R2 है, पोजीशन बताऊं यहां से सेंटर से R1 है, और इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करूं, मतलब ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस, में से सेंटर से ये डिस्टेंस, तो आपके पास ये टर्म सपोज क्या आती है, dr, dr का मतलब चेंज इन पोजीशन आपने की dr, यानी कि अगर आप हल्की सी पोजीशन चेंज करते हो आपका पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, अगर आप डीआर डिस्टेंस नीचे आते हो आपका पोटेंशियल कम हो जाता है, और अगर आप डीआर डिस्टेंस ऊपर जाते हो पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लो और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेट अस सपोज कितनी है, डीवी, डीवी, और आप कैसे आओ इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, अगर आप मूव करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो ये एक रिजल्ट है, ई इज इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाय डीआर। तो अगर आप डीवी को कितना आपका पोटेंशियल चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे ना तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप डीवी को डीआर से डिवाइड करोगे और आगे माइनस साइन लगाओगे तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको आना कहां पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ऐसा क्यों, मुझे एक चीज बताओ कि ई जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ये बताओ कि डीवी चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डीवी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो V2 फाइनल है, V1 इनिशियल है, बोलो इनका डिफरेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव, कितने लोग बोलते हैं नेगेटिव, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि V2 कम है और V1 ज्यादा है, नेगेटिव आएगा, लेकिन इस वैल्यू को क्या होना है,
पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि एज आई मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डीवी पक्का क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। तो एक फॉर्मूला माना जाता है ग्रेविटेशन में कि ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर एंड वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीजेस, और कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कितने डिस्टेंस में, तो माइनस डीवी बाई डी आर आपको क्या वैल्यू देगा, ई की वैल्यू देगा। ये रिजल्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। आप कहेंगे कहां से आया, प्लस टू में आएगा, इसका एनसीईआरटी का प्रूफ है, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर का, प्लस वन में इसका प्रूफ नहीं है, प्लस वन में सिर्फ फॉर्मूला है और इसकी एप्लीकेशन है बस, ठीक है। यहां तक रादर प्लस टू के एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा ये, क्योंकि कंपटीशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो भी साथ साथ कर रहे हैं हम, उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन होता है प्लस टू के बाद, और प्लस टू में हम चैप्टर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे प्रूफ्स के ऊपर ग्रेविटी के प्रूफ्स हैं, वैसे ही चलते हैं, तो इसीलिए प्रूफ्स हमें देखने पड़ेंगे प्लस टू में, लेकिन एप्लीकेशन और फॉर्मूलाज प्लस वन के अंदर चल रही है। तो आपको थोड़ा सा दो चार फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे अभी के लिए, लेकिन ठीक है, इतने फॉर्मूलाज याद करेंगे कि आपका काम चल जाएगा, आपके न्यूमेरिकल्स कम से कम जब आप ऑब्जेक्टिव्स करेंगे आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे से ऑब्जेक्टिव हो नहीं रहे, नहीं तो हो सकता है अगर कोई पुराने पेपर करें या ऑब्जेक्टिव करें आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाए कि मुझे आते नहीं है, कि जबकि मैंने तो अपना ग्रेविटेशन कवर भी कर लिया क्लास में, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो ऑब्वियसली आज मैं आपको कुछ काम देने वाला हूँ, आज के लेक्चर में मैं आपको अभी जो छुट्टियां हैं उसके अंदर काम दूंगा, आपको रोटेशनल मोशन के पिछले 10 साल के पेपर नीट वालों को करके आने हैं, मैं आपको प्रिंटआउट दे रहा हूँ उसका, आपको वो एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, पिछले जो नीट की प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है घर पे रोटेशनल मोशन की, और मेंस वालों को 2019, 18 और 17 के ऑनलाइन सारे पेपर सॉल्व करने हैं, उसका प्रिंटआउट है लेटेस्ट पेपर सारे, सो दैट आप के पास कम से कम 50-50, 90-90 क्वेश्चन हो, 90 के करीब है शायद, 90 के करीब सफिशियंट है रोटेशनल मोशन करने के लिए, शायद कुछ करवाया भी हुआ है मैंने, ठीक, कुछ आप करोगे। लाया तो प्रिंट आउट मैं ग्रेविटेशन के भी हूं, पर आज मैंने बहुत कोशिश की कि ग्रेविटेशन भी चलो इतना हो जाए, मैं कर नहीं पाया दूसरे बैच में, जितना मैक्सिमम हो सका मैंने करवाया, पर आज शीट देने के बराबर हो नहीं पाया कि मैं आपको पुराने पेपर एकदम दे दूं और आपसे सॉल्व ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस फिर लो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता, तो मैंने प्रिंट आउट रोक लिए। अब अगली बार मैं ग्रेविटेशन कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद उसको हम डिस्कस करूंगा। चलो ये फॉर्मूला इन शॉर्ट आपको क्या करना है, याद करना है, हो गया याद, क्योंकि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं यहां पर वेक्टर लगा सकता हूं, इसको लगाना कैसे न्यूमेरिकल में ये इंपॉर्टेंट है। तो लगाने के लिए काम करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मान लो वी की वैल्यू गिवन है 2x³, दैट इज वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी एक्स के साथ चेंज हो रहा है, आपको क्या निकालना है, ई वेक्टर। तो ई का फॉर्मूला क्या करवाया था, माइनस डीवी बाई डी आर, लेकिन अगर फंक्शन एक्स का है तो यहां पर एक्स माइनस डीवी बाई डी एक्स, और क्योंकि ई इज अ वेक्टर, क्योंकि वेरिएबल एक्स चल रहा है तो पीछे कौन सा कैप लगेगा, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा कैप है, आई कैप है। वी की वैल्यू को पुट किया, टू कॉन्स्टेंट है, x³ की डिफ्रेंसिएशन 3x², तो आंसर वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगा, क्या है, पॉइंट क्लियर है। तो ये नहीं है कि याद करके जाने की, आर ही पुट करना है, तो अगर एक्स है तो आप यहां पर एक्स पुट करेंगे, जैसे अगर वी की वैल्यू वाई की फॉर्म में गिवन है, वी इज इक्वल टू 2y², तो वेक्टर फॉर्म में बोलो क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, वाई डीवी बाई डी वाई, पीछे कौन सा कैप, जे कैप, वी की जगह 2y², 2 बाहर आ गया, वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2y, 2 × 2 = 4, पीछे जे कैप। अगर ऐसी वी जेड की फॉर्म में होता तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड और पीछे कौन सा कैप, के कैप, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है। लेकिन अगर आपका वी एक्स की फॉर्म में भी है, वाई की फॉर्म में भी है और जेड की फॉर्म में भी है, तीनों की फॉर्म में है, फिर उस केस में आपको वर्क एनर्जी पार का एक लेक्चर याद होगा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते थे, क्योंकि अब वेरिएबल तीनों चल रहे हैं तो मेरे को v को x के साथ भी डिफरेंशिएट करना है, y के साथ भी करना है और z के साथ भी करना है, और कैसे करना है, पार्शियल करना है।
कंप्लीट और पार्शियल में क्या फर्क था? जैसे अगर कंप्लीट डेरिवेटिव है डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स का, तो इसका आंसर होगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन अगर ये पार्शियल होगा डी वाई स्क्वायर बाय पार्शियल डी एक्स, तो ये जीरो होगा, कि पार्शियल के अंदर अगर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये वाई को क्या मानता है? कॉन्स्टेंट। इसलिए इसका आंसर क्या आता है? जीरो। करके देखते हैं। देखो तो आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, इसके पीछे आई कैप, जे कैप और के कैप। एक बार वी की जगह ये पूरी वैल्यू यहां पे, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, ये तीन टर्म्स आ गई। इसे ओपन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओपन कर लिया। डिफरेंशिएशन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसकी तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होगी फर्स्ट टर्म की, लेकिन इनकी डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? एक्स, तो वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट्स। ऐसी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई वाली टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट, और ऐसी जेड करेंगे तो ये टर्म्स वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट्स हैं ये टर्म की डिफरेंशिएशन। यही फायदा है पार्शियल का। तो इसीलिए इसकी डिफरेंशिएशन तो नॉर्मल 3x² आएगी, इसकी 2y आएगी और इसकी 2z आएगी। आई जे के लगा हुआ है, ई वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगा, हालांकि आने का चांस कम, पर फिर भी किसी किसी बुक में आपको ये दिखेगा, तो कम से कम अब एक बार कर लिया तो आपको तंग तो नहीं करेगा, आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे पार्शियल लगाया हुआ है। कोई डाउट है इसमें? ठीक। नेक्स्ट उल्टा क्वेश्चन है, ई गिवन है 2x², क्या निकालना है? वी। पहले क्या करते थे? v गिवन है, क्या निकालना है? e। अब e गिवन है, क्या निकालना है? v। v से e जाने के लिए डिफरेंशिएशन, और e से v जाने में इंटीग्रेशन, उल्टा काम होगा। तो e क्या होता है? माइनस dv बाय dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv और dx, e की जगह क्या पुट करेंगे? 2x², इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन v, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 2x² की x³/3, तो निकल गया v एज अ फंक्शन ऑफ x। कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको आंसर दिखेगा दिस टर्म प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने किया नहीं, वैसे रूल ये होता है कि कोई भी इंटीग्रेशन जब की जाए तो पीछे कॉन्स्टेंट लगता है। ठीक, ये मैथ्स में आप करेंगे आगे। दो तरीके होते हैं, या तो इंटीग्रेशन मानी जाती है कि आप लिमिट्स लगाएं, और अगर आप लिमिट्स नहीं लगाते तो पीछे कांस्टेंट लगा होता है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको दिखेगा। तो मतलब ये घबराना नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में कांस्टेंट लग गया इसका मतलब क्या है, आपने ये टर्म तो कर ही लिया, आपको यहीं से देख के आंसर पता लग जाएगा। ऐसे लिख दिया करते हैं कांस्टेंट के, ठीक। वो मैथ्स वाले लोग आपको नॉन मेडिकल में बताएंगे, मेडिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां तक तो क्लियर है? कई बुक्स नहीं भी लिखती, कई बुक्स यहीं तक छोड़ देती हैं, कांस्टेंट नहीं लिखती, तो भी आपका आंसर कैसे निकलेगा? आइडिया क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये क्वेश्चन है, पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में v की वैल्यू गिवन है 8x डिवाइडेड बाय x² + p²। आपको क्या निकालना है? e। कब? जब x की वैल्यू कितनी है? p। कितने लोग ये मानते हैं कि ये मैंने थोड़ा लंबा कर दिया,
इसको ऐसे करना चाहिए था कि x की जगह पहले क्या पुट कर ले, p, इसकी जगह भी p, विच इज अ कॉन्स्टेंट, तो पूरा रिजल्ट कॉन्स्टेंट आ गया, v आ गया, तो e इज माइनस dv बाई dx में v इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन इज 0, और फाइनल आंसर सीधा भी लिखा जा सकता है 0। कितने लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक है? कितने लोग कहते हैं पहला मेथड भी ठीक है? देखो तो अब इस केस में ये बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है जैसे अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलता कि आपको एक्स की वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और मैं आपसे ये पूछता वेलोसिटी निकालो एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक स्टूडेंट कहता कि पहले टाइम पुट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है dx बाय dt, क्योंकि x तो 3 आ गया, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, आंसर इज 0, ऐसे थोड़े ना होता है। पहले हम क्या करते हैं ऐसे डिफरेंशिएट और एंड में पुट करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सेम इसी की प्रॉब्लम है, तो पहले आप p को इसमें x में पुट नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले v e निकालना पड़ेगा बाई यूजिंग ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि एक्स इज अ वेरिएबल, तो वी की वैल्यू इज 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो यू बाई वी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी एक्स बाई डी एक्स 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, ये टर्म आएगी। अब एंड में एक्स को क्या पुट करना है, पी
चाहे आंसर एंड में क्या हो जाए, जीरो। तो कोई कहता पहले भी तो जीरो आ रहा था, चांस की बात है जीरो आ गया। देख एक मिनट, पहले जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां तक तो निकालेगा ना। हाँ तो यहाँ पर x की जगह p कर दे। अच्छा p की जगह x करना है, x तो वेरिएबल है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी निकाल रहे हैं t में, 1 की जगह t पुट कर दें, ये तो बात नहीं बनी ना। t की जगह ही वैल्यू पुट कर, p तो कॉन्स्टेंट है, नंबर है, तो वेरिएबल की जगह ही तो नंबर आएगा। लंबा है, बहुत लंबा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और क्या होता। जो माइनस साइन है ना वो न्यूमेरिकली साथ चलेगा। आने दो नेगेटिव, वो डायरेक्शन ऑफ ई डिनोट करता है, ऑपोजिट है। हाँ ठीक, वो ठीक है, पर पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब ये क्वेश्चन है जो नॉन मेडिकल वालों को मेंस में आया हुआ है, अब मिलेगा भी ग्रेविटेशन शीट में। मेडिकल में इजी आता है थोड़ा सा ग्रेविटेशन, तो अभी दिखाऊंगा काफी, मतलब ई और ई के फॉर्मूले भी आ जाता है कभी कभी, तो बहुत ही सिंपल, कभी कभी लेकिन आ जाता है स्फेयर्स के ऊपर, आज दिखाऊंगा कैसे। पर ये देख लो, ये भी आ सकता है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ई गिवन है, वी निकालना है। अब वो कह रहा है ई गिवन है एक्स की फॉर्म में, वी निकालना है, और ये साथ में ये भी कह रहा है पोटेंशियल जीरो है एट इंफिनिटी। क्या ये स्टेटमेंट अगर ना गिवन होती तो क्या ये स्टेटमेंट हमें मालूम थी कि पोटेंशियल जीरो है इंफिनिटी पे? नहीं मालूम थी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस जी एम बाय इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो वी ऑटोमेटिकली। हाँ तो ये स्टेटमेंट ना भी गिवन होती तो भी हमें मालूम थी, दे दी तो और भी अच्छा है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है वो हमें मालूम है, और साथ में क्या कह रहा है कि मुझे पोटेंशियल निकालना है कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, ई इज माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ई की जगह पुट करें कितना, के एक्स रेज टू पावर -3/2। इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां डिस्टेंस की लिमिट लगेगी, यहां पोटेंशियल की लिमिट लगेगी, तो जब डिस्टेंस इंफिनिटी है पोटेंशियल कितना है, जीरो, और जब डिस्टेंस एक्स है तो मान लो पोटेंशियल कितना है, वी। तो समझ में आ रहा है डिस्टेंस और पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहे हैं, यहां डिस्टेंस की लिमिट है, यहां पोटेंशियल की लिमिट है, तो यहां पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है और एक्स डिस्टेंस पे वी है, तो इसके इंटीग्रेशन वी, एक्स रेज टू पावर -3/2 की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -1/2 -1/2, तो यहां से माइनस माइनस प्लस टू टू आ गया, एक्स की पावर -1/2 1/x अंडर रूट इन्फिनिटी से एक्स, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट जो कि एक्स ही होगा, एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट जो कि इन्फिनिटी होगा, 1/∞ इज जीरो। तो जो बचा वो आंसर है। पॉइंट समझ में आया, इसको कैसे करा लिमिट पुट करके, कोई डाउट इसमें?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताया है कि आपके पास एक रॉड है. ध्यान आगे प्लीज. आपके पास एक रॉड है, थिन रॉड है. मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड. और आपके पास एक पॉइंट मास है. ये रहा पॉइंट मास. पॉइंट है मास क्या? पॉइंट है. आपको इस रॉड जिसका मास m है उसका कंट्रीब्यूशन या उसकी वजह से यहां पर e की वैल्यू बतानी है. क्या है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की? क्या है कि हमने जितने भी ग्रेविटेशनल के फॉर्मूलास किए सारे के सारे पॉइंट मास के लिए किए. ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये तो पॉइंट है पर ये पॉइंट मास नहीं है. तो किसी ने सजेशन दिया आप इसका सेंटर ऑफ मास ले लो. पॉइंट मास बन गया तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है. सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा. नहीं चलेगा. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन के अंदर अलग अलग बॉडीज, जैसे अगर कोई कल को कहेगा डिस्क है एक रिंग है इनके बीच में फोर्स निकाल लो, तो मैंने कहा फिर कैसे निकलेगी? कहते सेंटर ऑफ मास ले लो. नहीं गलत है ये. तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में चलता नहीं है एक्सेप्ट एक फिगर पे और वो है स्फेयर. स्फेयर पे चलता है तभी तो अर्थ और मून इन सभी ऑब्जेक्टिव में चला रहा हूं. लेकिन जैसे ये फिगर चेंज हुई ये फेल हो जाता है, नहीं चलता. ठीक तो आप नहीं लगाएंगे मेरे कहने का मतलब. तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. कैसे? क्योंकि न्यूटन का जो लॉ था ई निकालने का या फोर्स निकालने का वो पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड था और मुझे ये फिगर पॉइंट मास नजर नहीं आ रही. तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक एक करके पॉइंट्स लेते हैं. मान लो इस रॉड का एक एलिमेंट लिया हमने. इस एलिमेंट जो छोटा एलिमेंट लेंगे डीएम वो तो पॉइंट की तरह काम करेगा तो उसकी वजह से यहां स्मॉल इंटेंसिटी डी निकाल लेंगे. टोटल तो नहीं निकलेगी, पहले स्मॉल निकाल लेंगे. फिर अगला एलिमेंट लेंगे उसकी वजह से डी निकाल लेंगे. फिर अगला लेंगे डी, अगला लेंगे डी, करते करते हर एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर डी निकाल लेंगे और उसके बाद सभी डी 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 को ऐड करेंगे. मुझे क्या पता कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इन शॉर्ट क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे टोटल ई की वैल्यू आई की. लॉजिक समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे करके एलिमेंट्स लेने शुरू करें. जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैंने यहां पर जिसका छोटा सा मास कितना है डीएम और जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है एक्स और ये लेंथ कितनी ली डीएक्स. सबसे पहले इसका मास निकाल लें. तो अगर टोटल मास पूरी रॉड का एम है तो एल है, लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है और अगर लेंथ डीएक्स है तो मास कितना है एम बाई एल इंटू डीएक्स. तो ये क्या आ गया? डीएम. कोई डाउट इसमें? तो ये स्मॉल मास आ गया. अब ये स्मॉल मास डीएम तो पॉइंट की तरह काम करता है तो पॉइंट यहां पर जहां पर ई निकाल रहा है वहां तो मुझे कोई मास चाहिए ही नहीं, वहां तो प्लस वन इमेजिन कर लेना है. पॉइंट मास डीएम यहां पर ई क्या लगाएगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स. तो जी डीएम जी एम बाई आर स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है. तो जी एम की जगह डीएम बाय एक्स का स्क्वायर. कोई डाउट इसमें कि हर एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो एक्स की फॉर्म में आएगा. तो स्मॉल ई की वैल्यू डीएम की वजह से जी मास डीएम बाई एक्स स्क्वायर. पर मेरे को तो टोटल ई निकालना है. उसके लिए काम करते हैं डीएम की वैल्यू को, ये पूरी की पूरी डीएम की वैल्यू को नीचे पुट करते हैं. तो क्या पुट किया? एम बाई एल इन टू डीएक्स. तो नीचे पुट किया और अब इसकी इंटीग्रेशन. एक्चुअल में जो एलिमेंट लेने हैं वो पहला एलिमेंट यहां लेना है, सारे एलिमेंट लेने हैं यहां से लेके यहां तक. तो जब मैं पहला एलिमेंट लूंगा तो x की जगह x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर d, क्योंकि जब x d के इक्वल होगा तो एलिमेंट यहां शिफ्ट हो जाएगा. आखिरी एलिमेंट यहां पर रुकेगा, यहां पर इसकी दूरी कितनी है d प्लस l. तो लिमिट देखो x की क्या लगेगी, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन x की चल रही है. तो मुझे पहला एलिमेंट कहां पर लेना है d पे और आखिरी एलिमेंट कहां पर लेना है d प्लस एल पे. तो लिमिट समझ में आ रही है डी से लेके डी प्लस एल तक. तो लिमिट जब डी से डी प्लस एल लेते हैं इसका मतलब सारे एलिमेंट लिए गए स्टार्टिंग फ्रॉम डी से लेके डी प्लस एल तक. तो इसकी इंटीग्रेशन तो ई है, जी एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस बाहर आ गया.
एक्स की पावर माइनस वन इज वन बाई एक्स, डी से लेके डी प्लस एल, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट डी प्लस एल, एक बार लोअर लिमिट डी, तो इसे माइनस करते हैं, एलसीएम लिया माइनस किया, डी से डी कैंसिल, तो जो बचा वो मेरा फाइनल आंसर आया। तो लॉजिक समझ में आया कि कैसे करेंगे इसे? कोई डाउट इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्फेयर्स की कटिंग वाला। बहुत बार ऐसा देखा आपने कि डिस्क में से डिस्क काट दी, सेंटर ऑफ मास की नई लोकेशन बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ बचा हुआ। अब वो कहता है काम करो, एक स्फेयर लो, स्फेयर का रेडियस है आर और ये पॉइंट मास लो, इस स्फेयर में से एक स्फेयर कट करो और फेंक दो, तो ये कैविटी हो गई, बचा हुआ मास यहां पे दिख रहा है, तो बताओ बचा हुआ मास इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा ये बताओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट मासेस के रिजल्ट्स तो हमें आते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है कि स्फीयर एक पॉइंट मास नहीं है, तो इसमें जो दो बॉडीज हैं उनमें से ये एक स्फीयर है जो कि पॉइंट मास नहीं है, लेकिन दूसरी बॉडी पॉइंट मास है, ठीक, पॉइंट मास है एक नहीं है, और इंटीग्रेशन करनी बड़ी मुश्किल है स्फेयर्स की, रॉड की तो जैसे जैसे हमने कर ली, पर हर फिगर की इंटीग्रेशन करनी तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे इसके लिए कि कैसे कोई शॉर्टकट होना चाहिए स्फेयर का जो कि इंटीग्रेशन को बिना यूज किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट शीट उठाओ, पहले थ्योरी